भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के मजदूरों, सरदारों, मुंशियों और एंसिलरियों का लिंक कैसे होगा, इसे ध्यान से सुने। हमारे राष्ट्रीय प्रभारी श्री मनोरंजन जी हमें मार्गदर्शन कर रहे हैं। जब आप इसे ध्यान से सुनेंगे तो पेंडिंग काम जो अभी बाकी है और बहुत कम लिंक हुआ है, उस लिंक की समस्या का समाधान हम यथाशीघ्र करके शिफ्टिंग की समस्या, दूसरी समस्या, उसे हल कर सकते हैं। ध्यान से सुने, इस ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है अभी के समय में, और फॉरवर्ड भी करें ताकि हर मजदूर जागरूक हो जाए। जागरूक समाज तरक्की करता है और सोया हुआ समाज अनंत काल तक जूझता रहता है। हमारा भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ एक जागा हुआ समाज है, एक क्रांतिकारी समाज है। आइए हमारे राष्ट्रीय प्रभारी श्री मनोरंजन जी का मार्गदर्शन को सुने और समझें कि हमारा लिंक अब कैसे होगा और आसानी से कैसे होगा। इसे आप जितने लोगों तक शेयर कर सकते हैं शेयर अवश्य करें, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से आपके मोबाइल में मैसेज चला जाए, जो भी वीडियो, न्यूज़, सूचना अपलोड करूंगा आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिससे आप जान जाइएगा कि आज का न्यूज़ क्या है और हमें क्या करना है। तो आइए हमारे ग्रेट लीडर श्री मनोरंजन जी, जो भारतीय रेलवे माल गोदाम के शेयर हैं और जिनके माध्यम से हमारे यूनियन को वो चीज हासिल हुआ है जिसकी हम सपना 1998 से देख रहे थे, उनका गाइडलाइंस को एकदम दिल से लें और जो भी काम हमारे यूनियन में बाकी है, विशेषकर लिंक का काम, उसे पूरा करें। आइए हमारे राष्ट्रीय प्रभारी जी का गाइडलाइंस सुने। हम लोगों ने, हमारे संगठन ने माननीय रेल मंत्री जी से कई बार बैठक करके, माननीय रेलवे बोर्ड चेयरमैन के साथ बैठक करके, चाहे वो सुमित शर्मा जी हों, बीके त्रिपाठी हों या वर्तमान में अनिल कुमार लोहटी, इन सभी लोगों से लगातार बैठक करके आपका जो हक अधिकार, तो चाय पार्टी की बैठक में जो आपको प्राप्त हुआ, हमारे माल गोदाम सर्विस भाइयों को लेकर करके जो प्रत्येक माल गोदाम पर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना हुआ, जो आपके लिए मेडिकल की सुविधा, कंसेशन पास की सुविधा, आपके लिए वहाँ आराम करने की व्यवस्था, आपके लिए समुचित व्यवस्था और संगठन के लिए हर माल गोदाम में कार्यालय की व्यवस्था, ये सारी चीजें भारत सरकार के रेल मंत्रालय द्वारा जो पास हुआ था, कल जब महारेल प्रबंधक के समक्ष बैठक हुआ और महारेल प्रबंधक महोदय ने हमारे प्रतिनिधि मंडल को, हमारे साथ पंचानंद डेका जी राष्ट्रीय महामंत्री जी के नेतृत्व में, सीमा मंत्री धन कुमार डेका, रंजन पेगू, हम सभी लोग जो कल महारेल प्रबंधक महोदय के साथ बैठक किए, जितना हमने सोचा नहीं था उससे आगे बढ़ के उन्होंने भरोसा और विश्वास दिलाया कि मैं अक्टूबर माह तक एरेफार जोन के एक एक माल गोदाम में सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने का काम शुरू करने का काम करूं। अब ये है कि जो हमारे पदाधिकारी बने हैं और जो बनने वाले हैं, आप सब लोग एक बार बैठक करने से मिलने से नहीं होगा, आपको हर दो दिन तीन दिन पर एक बार वहाँ विजिट करना होगा, डीआरएम के यहाँ विजिट करना होगा, अपने हर माल गोदाम पर पहुँचना होगा और माल गोदाम पर जगह चयनित करना होगा कि हमारा जो श्रमिक उसके रहने की व्यवस्था कहाँ बनेगी, उसके लिए बाथरूम कहाँ बनेगा, नहाने की व्यवस्था कहाँ बनेगी, हमारे ऑफिस कहाँ बनेगा, हमारा कैंटीन का फैसिलिटी कहाँ बनेगा, हमारा कौन कौन व्यक्ति है जिसका QR कार्ड और श्रम कार्ड लिंक नहीं हुआ, उसका मेडिकल, उसके कंसेशन पास, उसकी तमाम सुविधाएं जो उस तक पहुंचना है, वो सभी कामों को आपको लगातार दिन और रात मेहनत करके उसको करना। सरकार से, हम भारत सरकार के रेलवे बोर्ड से, रेल मंत्रालय से, हम लोग लड़ाई लड़ के दिल्ली से लाएंगे और आप लोग जब यहाँ लड़ाई लड़िएगा उनके साथ, सिर्फ आपको जाना है उनको बार बार संपर्क करना है कि सर मेरा काम कहाँ तक पहुँचा, तो हम और आप जब दोनों मिल जाएंगे तो जो 6 महीना में काम होना है वो 10-15 दिन के अंदर काम समाप्त हो जाने का। अभी तक सिर्फ केंद्रीय कार्यालय ही, केंद्रीय कमेटी ही सब जगह बैठक करती थी, कल जब हम बैठक किए, हम लोगों ने NFR जोन के जितने हमारे नव निर्वाचित पदाधिकारी, उनसे पहचान कराने का काम किया। अभी हमारा
मैं दिल्ली जा रहा हूँ। कल हमारे रेलवे बोर्ड चेयरमैन के साथ बैठक थी, सुबह में मैसेज आया कि एक महत्वपूर्ण काम से वो आउट ऑफ इंडिया जा रहे हैं, ट्यूजडे को ज्वाइन करेंगे। ट्यूजडे को ज्वाइन करने के साथ ही हमारी उनके साथ बैठक होगी और मैं पूरे हिंदुस्तान में जो पदाधिकारी चयनित हुए उनका कॉपी उनको देने का काम करूंगा कि रेलवे बोर्ड के माध्यम से प्रत्येक महारेल प्रबंधक तक नोटिफिकेशन जाए कि भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के प्रत्येक जोन का ये पदाधिकारी, हर स्टेट का ये पदाधिकारी, हर डिवीजन का ये पदाधिकारी नियुक्त किया गया है। और जब आप डीआरएम से मिलने जाए तो आपका परिचय उनको अपने बॉस से पहले उनको पहुंचा जाए, है ना, ताकि हमारा काम बहुत ही सरल और आसान हो जाने का काम। हम लोग जब महारेल प्रबंधक के पास कर गए, जैसे हमने बात को रखने का काम किया, उन्होंने भी बड़ा आश्चर्य किया कि संगठन कितना मेहनत कर करके इन माल गोदाम के श्रमिकों को काम को कहां तक पहुंचाने काम। हमने उनको बताया कि अभी हमारी 3 बैठक कैंसिल हो गया, उड़ीसा के बालासोर में जो ट्रेन दुर्घटना हुआ इतना बड़ा, उसमें हमारा उड़ीसा प्रदेश के लगभग सैकड़ों लोगों ने उस घटना में सब लोगों को मदद करने का काम किया। हमारी लगातार चेयरमैन और रेल मंत्री साथ बैठक थी, वो स्थगित हो जाने काम हुआ, नहीं तो अभी पॉलिसी बंद जो हमारा बेजेस पे होना है, हमारे मजदूरों को जो सीधे रेल मंत्रालय के द्वारा सीधे उसके खाते में पैसा पहुंचे, ये सारी जो हमारी पॉलिसी 80% कंप्लीट हो चुका, उस विषय में भी मैंने महारेल प्रबंधक जी को बताया और उन्होंने कहा कि ये काम बहुत होना जरूरी है, इससे हमारे भारतीय रेल को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। हमने कहा कि आज आपके पास 24 घंटे का नोटिस ऊपर से जारी हुआ और आपने भी हर माल गोदाम के लोगों को जारी किया है कि 24 घंटा काम चलना चाहिए, लेकिन क्या वो सार्थक है? उन्होंने कहा कि नहीं, बिल्कुल सार्थक नहीं। हम कहे जब तक आप लेबर मैनेजमेंट सिस्टम जो हमारे डिपार्टमेंटल लेबर सिस्टम जो जिसका प्रस्ताव हमने दिया, जिस पर बैठक हो रही है, वो लागू होने के बाद भारतीय रेल भी खुशहाल हो जाएगा और हमारा श्रमिक भी खुशहाल हो जाएगा। हमारी बातों को पूर्ण तरीके से उन्होंने समर्थन किया कि आप जाकर वहाँ पॉलिसी बनाइए और हमारे जोन का दायित्व हमारा, हम उसको लागू करके एक एक श्रमिक को उसके हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे। हमारा बहुत सारा ऐसा काम है जो पेपर में होके आया हुआ है, आप एक बार बैठक उनके साथ करेंगे, सिर्फ लगातार संपर्क करने का काम करेंगे। अगर कहीं भी आपको समस्या होता, कोई दिक्कत होता, आप मुझे बताइए। अगर जीएम साहब नहीं सुनेंगे, मंडल रेल प्रबंधक अगर कोई तरह की कोताही करेंगे, आप मुझे बताइएगा, मैं रेल मंत्री से लेकर रेलवे बोर्ड के चेयरमैन से उनको दबाव दिलाने का काम करूंगा और मिल सकते। दूसरा, मैं आज NFR जोन के एक एक सदस्य को इस मंच के माध्यम से मैं उनको सूचित करना चाहता हूँ कि NFR जोन में आपकी समस्याओं को सुनने के लिए, आपकी किसी भी मुसीबत को सुनने के लिए, आपके किसी भी दुख का निवारण करने के लिए ये आपका मंदिर खुल गया, आपका ऑफिस, अपना ऑफिस खुल गया। कोई भी लीडर किसका फार्म भरा, किसने किसको मेंबर बनाया, उस विषय पर नहीं जाना। किसी भी NFR जोन के किसी भी सदस्य को किसी प्रकार की दिक्कत है, वह यहाँ ऑफिस में आए और अपनी समस्याओं को लिखे, उस समस्याओं को तुरंत हम लोग समाधान करने का काम करेंगे। अगर किसी लीडर ने किसी सर्विस के साथ किसी प्रकार का छल करने का काम किया है, किसी प्रकार का कोई समस्या उसको देने का काम किया है, अगर वो लिखित रूप में कंप्लेन करता है तो हम उस पदाधिकारी को, चाहे वो हमारे संगठन में हो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे संगठन में नहीं है लेकिन हमारा संगठन का फार्म छपा करके लोगों को भरवाने का काम करना है, किसी तरह के व्यक्ति का कोई सूचना मिलेगा उस पर हम लोग कानूनी कार्रवाई करने का काम करेंगे, किसी भी कीमत पर उसको बर्दाश्त करने का काम नहीं करेंगे। अगर हमारे संगठन में हमारे पूर्वजों ने, हमारे गार्जियन ने अपना खून पसीना बहा के 1998 से लेके आज तक इतना बड़ा संगठन बना कर करके आज मजदूरों को हक अधिकार मिलने का काम हो रहा है और उसके छवि को अगर कोई धूमिल करने का काम करेगा तो हम लोग उसको किसी कीमत पर माफ करने का काम नहीं करेंगे। संगठन में वही लोग रहे जो संगठन के लिए जीने का काम करे और आवश्यकता पड़े तो संगठन के लिए शहीद होने का काम करे, ऐसे ही लोगों की आवश्यकता है। और ऐसे ही हमारे पास, हमको बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा और विद्वान आदमी की जरूरत नहीं है, मुझे ईमानदार और संगठन के प्रति लॉयल व्यक्ति की आवश्यकता है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है,
राष्ट्रीय महामंत्री जी ने इतना साल तपस्या कर करके आपके लिए एक एक डिमांड ला करके कदमों में खड़ा कर दिया। 13 डिमांड वो अभी हमारे पास 13 तारीख की चिट्ठी आया हुआ है, बीच में और चिट्ठी आई जिसके लेकर के मैं महारेल प्रबंधक के समक्ष बैठक किया। अभी सीमा मंत्री यहाँ उपस्थित थे, डेका यहाँ उपस्थित थे, धन डेका उपस्थित थे। पूछिए, जब महारेल प्रबंधक को मैं एक एक बिंदु पर बता रहा था तो किस तरह का उसका रिस्पॉन्स था, वो आश्चर्य में था कि माल गोदाम के मजदूरों के लिए इतनी बड़ी काम हो जाने का काम हुआ। जब मैं पॉलिसी मेकिंग के विषय में रखा कि मैं वो पॉलिसी डील कर करके फिर आपके साथ बैठक करूंगा कि इनफार दोनों लोगों को आप तुरंत करिए, और मुझे भरोसा है जिस तरह का उनका व्यक्तित्व मुझे लगा, जिस तरह का विहार व्यवहार विचार और विनम्र व्यक्तित्व के मालिक लगे, वो उन्होंने कहा कि मैं डीआरएम भी रहा हूँ, आज डीएम भी हूँ, और मैं मजदूर के, हमारा जो माल गोदाम के मजदूर उसकी हर एक समस्या को मैं जानता हूँ, और भारतीय रेलवे माल गोदाम सर्विस संघ इतने बड़ा काम को लेके चला है, उसको इतना सफलता तक पहुंचा है, भरोसा मैं दिलाता हूँ मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, और जो आप डिमांड इशू करा के लाएंगे उसको तुरंत सबसे पहले आंदोलन में लागू करने का काम करूंगा। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, अवसर हमारे पास है, हम लोग लगे कल से ही सभी माल गोदाम का जायजा कर लें, कहाँ कहाँ पर हमको क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कराना है, कहाँ कहाँ पे क्या समस्या है। बाकी जो रिपोर्ट मुझे रंजन पेगू पंचन डेका धन डेका सीमा मंत्री ने दिया है इनफार जोन का, मैं कल उनके पास सबमिट करके आया हूँ। और भी कोई चीज रह गया और किसी तरीके का आप चाहते हैं कि उसमें और कुछ जुड़ जाए तो उसमें पूरी जुड़ने का प्रावधान उसमें लिखा हुआ है। इसके अलावा भी मजदूरों के लिए कोई भी अगर आवश्यकता पड़ेगी तो भारत सरकार के रेल मंत्रालय उसको जोड़ करके उसको देने का काम करेगा, क्योंकि आप ही वो लोग हैं जो भारतीय रेल को 1 रुपया में 70 पैसा आमदनी देने का काम करते हैं, और आप जो आमदनी देने का काम करते हैं भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ ने संसद से लेकर के रेल मंत्रालय तक टेबल पटक करके आपकी भूमिका को वहाँ बताने का काम किया और आपके हक अधिकार को वहाँ से लाने का काम किया। अब आप यहाँ लगिए, वहाँ मैं दिल्ली में रहूँगा, आप क्षेत्र में रहिए, कोई समस्या होगा जो समस्या दिल्ली से ठीक होना होगा उसको हम दिल्ली से ठीक करेंगे, और यहाँ जो ठीक करना होगा हमारे जोनल पदाधिकारी को ठीक करने का काम है ना। और मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि हमारा एनएफआर जोन, चाहे अपर असम हो, लोअर असम हो, मिडिल असम हो, अलीपुरद्वार हो, कटिहार डिवीजन हो, पूरे एनएफआर जोन, जिसमें मुझे लगता है एनएफआर जोन में जितना प्रदेश आता उतना दूसरा किसी जोन में प्रदेश नहीं आता, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, पश्चिम बंगाल, बिहार, इतना प्रदेश को जोड़ता है ये एनएफआर जोन। मैं इस मंच के माध्यम से पुनः इस बात को दोहराता हूँ कि एनएफआर जोन का कोई भी हमारा श्रमिक, कोई भी सदस्य, अगर आपकी कोई समस्या है आप ऑफिस पहुंचिए, आज अपना इस ऑफिस का एड्रेस और यहाँ का लैंडलाइन नंबर, मोबाइल नंबर आपके संगठन के वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा, सब लोग अपना अपना नोट कर ले, किसी तरह का कोई समस्या यहाँ पहुंचे उसको तुरंत निवारण करने का काम। सब्सक्राइब करने के लिए रुपए नहीं लगते हैं, और बेल आइकन के लिए आपके घर में पड़े सोने की आवश्यकता नहीं है, चांदी की आवश्यकता नहीं है। मैं अपने चैनल के माध्यम से सरकार के गलत नीतियों के प्रति जो मजदूरों को नुकसानदेह होती है उसके विरुद्ध आवाज बुलंद करता हूं अपने चैनल के माध्यम से। साथ ही साथ जो लोग यूनियन में लोमड़ी सब भी घुसे हुए हैं, जो मजदूरों से लाखों रुपए लेने के बाद उनका काम नहीं करते हैं और मुझे लोग फोन करके इसकी शिकायत करते हैं, उस शिकायत को मैं लिख कर मनोरंजन जी तक पहुंचाऊंगा। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लोगों को सब्सक्राइब करवा दें। मेरा चैनल डेडिकेटेड है उन गरीब मजदूरों के लिए और उन गरीब किसानों के लिए जो वास्तव में भारत के वो रीढ़ हैं, जो भारत के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसलिए सब्सक्राइब करके मेरा हिम्मत, मेरा जोश, मेरा हौसला को बढ़ाएं। धन्यवाद, थैंक यू, एंड गॉड ब्लेस ऑल माय फैमिली ऑफ BRMGSS।